नमस्कार, आज हम बनाएंगे मसाला ओट। इसको आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए, या फिर आप इसको स्नैक्स में भी खा सकते हैं। इससे पहले आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है ऑन कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने का तरीका। यहाँ पर मैंने रोल ओट्स लिया है 1 कप, कैप्सिकम, गाजर, प्याज कटा हुआ और हरी मिर्च 2 लंबी लंबी टुकड़े में कटी हुई, इस तरीके से आपको काटना है। और यहाँ पर है 10 से 12 करी पत्ता। तो सबसे पहले हम एक पैन को गर्म करेंगे और इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे और प्याज डाल देंगे और प्याज को थोड़ी देर तक भूनेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक। थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, अभी हम इसमें गाजर और कैप्सिकम कटी हुई डाल देंगे। आप चाहे तो दूसरी तरह की सब्जी डाल सकते हैं, जैसे कि बीन, फूलगोभी, छोटे छोटे पीसेस में काट के इसको डाल सकते हैं, और हरी मटर, इस तरह की सब्जियां डाल सकते हैं। तो इसमें हम डाल देंगे नमक, नमक थोड़ा सा डालेंगे और इसको, नमक डालने से सॉफ्ट हो जाता है सब्जियाँ, तो इसीलिए थोड़ा सा नमक डाल के हम इसको ढक्कन लगाएंगे। इसमें जो है हरी मिर्च हमारा कटी हुई थी इसको डाल देंगे। और इस समय आपका गैस का फ्लेम जो है मीडियम रखें, थोड़ी देर इसको ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए पकने देंगे, थोड़ा सा जैसे कि सब्जियां सॉफ्ट हो जाए। अभी देखिए 5 मिनट के बाद मैं खोल चुकी हूँ और सब्जियां भी हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे ओट्स। ओट्स को डाल के अच्छे से भूनेंगे, मतलब 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई करना है सब्जियां के साथ। अभी लगभग 1-2 मिनट हो चुका है और थोड़ा सा ओट्स का कलर भी चेंज हो गया है। अभी मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। मैं इंडियन टाइप का ओट्स बना रही हूँ। इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, छोटा चम्मच में आप डालिए क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाला है। इसमें अभी हम डाल देंगे करी पत्ता। आप लाल मिर्च अगर पसंद नहीं करते तो इसमें आप ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर। अभी फिर से हम कुछ सेकंड के लिए ऐसे ड्राई रोस्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हमने भून लिया है इसको। अभी इसमें हम डालेंगे पानी। पानी जो है मैंने 1 कप लगभग 200 से 250 ग्राम मैंने लिया था ओट्स, इसलिए पानी उसे डबल लेना है। पानी मैंने लगभग 500 ml तक लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें बहुत अच्छा टेस्ट के लिए और थोड़ा चटपटी टेस्ट के लिए आप इसमें नूडल्स मसाला डाल सकते हैं। मैं लेकिन सिंपल बना रही हूँ। और सब्जियाँ में मैंने ऑलरेडी नमक डाला था इसीलिए और थोड़ा सा डाल देंगे। तो ध्यान रखिए, हमने 2 बार नमक डाला है, पहले से थोड़ा सा डालें और उसके बाद ओट्स डालने के बाद और थोड़ा डालें। तो आपको जितना क्वांटिटी में आप बना रहे हैं उसी हिसाब से आपको नमक डालना है। अभी फिर से हम ढक्कन लगा देंगे और मीडियम आँच पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो पानी पूरा ऑब्जर्व हो चुका है और ओट्स भी और सब्जियां सब पक गया है। तो अभी हम इसमें डालेंगे तो 1 चम्मच लेमन जूस, नींबू का रस। नींबू का रस डाल के भी इसको मिक्स कर देंगे। ये ओट्स जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। अगर आप थोड़ा लिक्विडी बनाना चाहे तो थोड़ा पानी और डाल सकते हैं, मतलब ज़्यादा पानी डाल सकते हैं पकने के समय। तो अभी ये ओट्स जो है पक करके रेडी हो गया है। आप इसको, बहुत हेल्दी रेसिपी है, आप चाहे ब्रेकफास्ट में या फिर स्नैक में किसी भी तरह इसको खा सकते हैं। दूसरे रेसिपी वगैरह देखने के लिए ऊपर आ रहे पेज पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ और शेयर ज़रूर करें।